क्या समस्याएं है उनको गार्डन को लेकर, तो आइए चलते जानते हैं। हमारे साथ है अभी अजय शीतल और राहुल सर करके हैं, जो यहाँ पे फिटनेस को लेकर युवाओं को जो है तैयार करते हैं। सर क्या बताना चाहोगे आप? इसीलिए हम लोग वर्कआउट करते हैं, सुबह से माहौल थोड़ा खराब है, थोड़ा गंदे भी उधर रहेगी तो वर्कआउट करने में प्रॉब्लम जाती है। मच्छर बहुत दिन तक बोले भी से कम्पेयर कर उसके ऊपर कुछ होता ही नहीं है। और आप मेंटेनेंस देख ही रहे हो गार्डन का कैसे क्या, कुछ मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, तो यही हम उसको उसके लिए बनाने के थोड़ा सा उसके ऊपर उसके प्रसन्न उसके प्रसन्न में ध्यान भी देना चाहिए। मतलब हमको वर्कआउट कोई बेनिफिट मिले है ना, हम वर्कआउट करो और ये सब चीज़ें लेके तो कुछ उसमें हम कर नहीं सकते ना। गार्डन में मैं काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ और चारों तरफ देख रहा हूँ कि काफ़ी गंदगी फैली हुई रहती है, दारू के बॉटलें पड़ी हुई रहती है, तो इस गार्डन की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। यशवंत चौरा खड़े, मैं भी काफ़ी दिन से गार्डन के अंदर में आता हूँ। मैं आके नगर से को बताया है कि यहाँ पे इतना गार्डन बड़ा रहने के बावजूद भी 4 या 5 कुर्सी दिखती है, और हमारी जो संख्या है यहाँ पे लगभग 200 या 250 लोग रोज आते हैं या जुम्मा चलता है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी कुर्सी की व्यवस्था होना और घास जो बड़ा है इतना बड़ा, ये इसकी भी थोड़ी सफाई होने को ना, ये पूरी बगड़ यहाँ के पूरे घाट बढ़ गए हैं कटाई होने को ना, और ये जो शाम के वक्त में यहाँ पे जो बाकी एरिया के जो लोग आते हैं इसके अंदर जो युवा वर्ग है ये सब यहाँ पे नशीली पदार्थ रहते हैं पी के, इधर बोतल है उधर बोतल है, सब बोतल का काम रहता रात को 8 बजे के बाद यहाँ पे, यहाँ पे चौकीदार की भी व्यवस्था होने को ना। आप मेरे पीछे जो है गार्डन के खिलौने देख पा रहे हो जो बच्चों के लिए रहते हैं, ये खिलौने जो इसकी हालत जो है देख पा रहे हादसा ना बच्चों के साथ हो जाए ये संभावना भी जताना, मतलब हो सकता है ऐसा भी। देखिए बच्चे किस तरह से खेल रहे हैं, वो जो स्लाइडर है वो भी टूट चुकी है, कहीं ना कहीं कुछ लग ना जाए बच्चों को यहाँ पे, जैसे कि स्लाइड वगैरह टूटी हुई टूटी पड़ी हुई है, कभी बच्चे क्या है पैर फंस जाता है उनका, हादसा हो जाता है। एक बार तो बच्चा गिर गया था, वो बीच में से जो फटा हुआ है स्लाइड वहाँ से, और यहाँ पे बहुत से झूले वगैरह टूटे हुए हैं, गार्डनिंग वगैरह बराबर है नहीं, और यहाँ पे जैसे कि पानी की व्यवस्था भी होना चाहिए, और 400-500 की संख्या में लोग रोज वर्कआउट करते हैं अच्छे तरीके से अपना, तो यहाँ पे बहुत सी समस्या है, तो वो जल्द से जल्द पूरा करें। और भी लोग यहाँ पर हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह की समस्याएं उनको आए दिन यहाँ पर सताती है। तो चलिए आइए, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे रोज डेली आती है मॉर्निंग वॉक के लिए। आप आते हो यहाँ पे, हाँ। क्या बताओगे, ये गार्डन में आप आते हो तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, यह गार्डन में बहुत सारे भाई आते हैं, पुरुष लोग भी आते हैं, और यह है ना बहुत सारी कंडीशन खराब है, क्योंकि बदमाश लड़के लोग है ना आते हैं और या दारू भी पीते हैं, लड़कियां भी रहती है, गार्ड होना और या पूरा ये कैसा गवत है ये भी काटने को होना, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है, और ये मशीना है ना ये बहुत टूट गई पूरी, और बहुत सारे लोग हैं और संदीप सर भी आते हैं यहाँ, तो वहाँ पेड़ थे वो पेड़ भी काट दिए अभी, और यहाँ बुद्ध पूर्णिमा के दिन बहुत सारे पेड़ भी लगाए, तो ऐसे अभी कुछ करेंगे ऐसी आशा है, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ, और बहुत लड़की लोग और भाई लोग सब आते हैं और अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो है बड़ी मात्रा में लेडीज जो है सुबह या शाम के टाइम मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक को आती है, क्या बताओगी या गार्डन में आने के बाद आपको क्या समस्या आ रही? मैडम सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है वो रहना चाहिए यहाँ पे, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो जैसा पब्लिक जो है हेल्थ के लिए आती है तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मतलब मेंटेन नहीं है, तो उस चीज़ का ध्यान रखे, जैसे कि झूले वगैरह बच्चों के लिए काफ़ी जगह है यहाँ पे, कम से कम 400-500 लोग रोज आते हैं यहाँ पे, और कैसा हमारे घर के पास में है ये एरिया, डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, हमारा एक ग्रुप संदीप सर के साथ में 25-30 लोगों का बॉयज़ एंड गर्ल्स का ग्रुप है,
और कैसा यहाँ पे आओ तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है। यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह भी हुआ है अभी और काफ़ी सारी चीज़ों की मतलब डेवलपमेंट कर रहे हैं सर। धीरे धीरे हमारी कोशिश यही है कि ये गार्डन को मैंने अच्छा बनाए और यहाँ पे एक जो ज़रूरत है वो सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। आप क्या बताना चाहोगे? आप भी यहाँ पे रोज आती हो, कौन सी समस्या आती है? अभी मैं थोड़े दिन से यहाँ पे आई हूँ रहने के लिए, 3-4 महीना हो गए, लेकिन सब लोग सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं, सुबह ज़्यादा रहते हैं, योगा क्लास भी होता है और जुम्मा भी होता है। खेलने के लिए लोगों को इधर थोड़ा साफ़ सुथरा होना चाहिए और लेडीज लोग भी आती है रोज़, जेंट्स भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, बच्चों को थोड़े झूले वूले रिपेयरिंग कर देना चाहिए, गार्डन का साफ़ सफाई होनी चाहिए और सब लोग मिल के रहना चाहिए। और यहाँ कोई तो एक जन सिक्योरिटी गार्ड चाहे कुछ है, कभी कभी शाम के टाइम हम लोग इधर पास में रहते हैं, रात को 9 बजे दारू पी के बच्चे इधर बोतलें हमारे घर के सामने भी फेंकते हैं और इधर बहुत लोग लड़का लड़की खड़े रहते हैं, तो कोई तो इधर वॉचमैन होना चाहिए सिक्योरिटी ऐसा एक हमेशा के लिए, बस यही है। यहाँ पे जो है 200 से 300 की मात्रा में लोग आए दिन आते हैं, पर यहाँ पे जो है काफ़ी समस्याएं लोगों को आती है, कहीं अगर ठंडे चलते हैं तो कहीं लेडीज़ को आने में दिक्कतों का मतलब दिक्कतें आती है। जिस तरह से गार्डन का माहौल होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ गार्डन का जो है रखरखाव अच्छे से हो और यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड मिले ताकि उन्हें किसी भी मतलब अनहोनी ना हो, इसकी भी उन्हें मतलब चिंता है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन लड़के जो रहते हैं वो शराब पीकर बोतलें डालते हैं, यहाँ पे अवैध धंधे चलते हैं, ऐसा भी यहाँ के लोगों का कहना है। तो और भी लोग हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। चलिए, यहाँ गार्डन में लेडीज जो है जुम्बा और योगा करने आए दिन आती है, यहाँ पर उनको काफ़ी समस्याएँ आती है, उनसे जानते हैं कि क्या समस्या उनको आती है। गार्डन असं असायला पाहिजे की तिथे सुविधा उपलब्ध असायला पाहिजे, अजून चौकीदार असायला पाहिजे, गेटला लॉक असायला पाहिजे आणि झाडू तर लागतच नाही, झाडू लागत नाही आणि जे जनावरं गाई म्हशी हे सगळे तिथे असतात आणि आपण इथे सगळ्या नगरसेवकांना सांगितलं तरी त्यांनी अजूनपर्यंत काही केलेलं नाही आणि आता जे कोणी येईल ना, जो नगरसेवक येईल करायला तो फक्त समोर इलेक्शन आहे म्हणून येणार, समोर इलेक्शन आहे म्हणून येणार, पण ज्या इथल्या काही समस्या आहे, टॉयलेट बाथरूम नव्हतं आणि ते आहे तर त्याला लॉक करून ठेवलेलं आहे, हां आणि माणसं काय कुठेही करतात पण लेडीज कुठे जाणार, हा एक प्रश्न पडतो, पण त्याच्यासाठी तरी कोणी अजून समोर आलेलं नाही। काही नाही, आम्हाला फक्त त्रास हेच आहे की काय गार्डनला सुविधा काहीच नाही आहे, त्यांनी करायला पाहिजे। कुठल्या सुविधा तुम्हाला असं वाटते की झाल्या पाहिजे? साफसफाई करायला पाहिजे, स्वच्छता, फुलं झाडं पाहिजे, इथं काहीच मेंटेन नाही, जिकडे तिला कचरा साचलेला दिसतो, दुसरे पोरं येऊन हे करतात, रात्री नको आहे ना, दारू पिऊन काचो फोडून गार्डन मध्ये फेकून देतात। काय आहे की किस तरह से यहां पे अवैध धंधे चलते हैं, क्या बताएं? रात्री तो पोर एक रात दारू पिऊन बाटला फोडून टाकतात, आमच्या घरात दुकानचे पगार बेंच करून टाकतात, असे ह्या सुविधा सगळं गार्डन साठी पाहिजे, त्यात एक बघा बेंच तोडलेले आहेत, बेंच बायांना बसायला इथं बेंच वगैरे नाही, सगळं बेंच आणून द्यायला पाहिजे, ह्या सगळ्या सुविधा करायला पाहिजे, फुलाची रिपेअरिंग झाली पाहिजे, बिलकुल। हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पे बड़ी मात्रा में रोज लोग आते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समस्या हर एक नागरिक को यहाँ पे हमें सुनाई दी है। और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं कि और कौन सी समस्या है यहाँ पे लोगों को। मैं नोबल सरल सालुमन हूँ, मैं बीते 10 साल से इस गार्डन में आ रहा हूँ और इस गार्डन से हमारी बहुत भावनाएं जुड़ी हुई है। सुबह हम बुजुर्ग लोग मिलते हैं, सभी हम मिलते हैं और साथ में हम लोग खेलते हैं, बात करते हैं। मेरी प्रॉब्लम इस गार्डन को लेके तो मैं बहुत समय से सोच रहा था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से घास उगी है ऐसा लग रहा है कि उजड़े स्थान में हम लोग खेल रहे हैं और यहाँ पर वो उधर छोटा सा टैंक भी बना है, उसमें भी काफ़ी मच्छर वगैरह रहते हैं, यहाँ पर चौकीदार रहना चाहिए, असामाजिक तत्व यहाँ रात भर रहते हैं जो गांजा वगैरह पीते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लेडीज़ लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। मैंने भी एक दो बार दो तीन यानी जो छेड़छाड़ हुई उसमें मैंने काफ़ी लेडीज़ लोगों को हेल्प किया, लेकिन लोग डरते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि एक चौकीदार यहाँ पर रहे और इस गार्डन को
ये हरियाली है। हम लोग आज देखा जाए तो हमारे घरों के सामने पेड़ नहीं है, पौधे नहीं है, तो हम गार्डन इसलिए आते हैं कि हम यहाँ पे एक्सरसाइज करें। और अभी कोरोना का जो काल चल रहा है तो मैं ये सोचता हूँ कि अभी इम्यूनिटी पावर हमको मजबूत रखना है, तो ये गार्डन में इसलिए आते हैं कि हम अपने इम्यूनिटी पावर को मजबूत रखें और हम स्वस्थ रहें। तो मैं यही चाहूँगा, मैं शासन से ये निवेदन करूँगा, जो भी अधिकारी हैं उनसे ये निवेदन करूँगा कि आप प्लीज़ करके इस गार्डन पर ध्यान दें। यहाँ पे बच्चे भी आते हैं, झूले भी प्रॉपर करें, कुछ झूले टूटे भी हुए हैं मेरे सामने, बहुत सारे बच्चे गिरे भी, एक्सीडेंट भी हुए। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ सब अच्छे लोग रहते हैं और सब समाज मिलकर, हर एक समाज के लोग यहाँ पे आते हैं और हम मिलजुल के रहते हैं। तो मेरा एक ही कहना है कि आप इस गार्डन की तरफ ध्यान दें और इस गार्डन में जब सारी बातें अच्छी हो जाएंगी तो हमको भी अच्छा लगेगा और हम समाज के लिए भी नए नए काम कर सकेंगे और भी लोग इस गार्डन में आके एक्सरसाइज कर सकेंगे। धन्यवाद। तो ये थी सभी नागरिकों की समस्याएं कि आए दिन उनको गार्डन में किस तरीके की दिक्कतें आती है, कौन सी समस्याएं आती है। अभी हमारे साथ है बरियम के नागपुर जिला अध्यक्ष संदीप दादा कामले, इनसे जानेंगे कि किस तरह ये तो हुई सर, हमने अभी तो यहाँ के नागरिकों की बहुत सी समस्याएं जानी कि किस तरह उन्हें दिक्कतें आती है सुबह गार्डन में आने के बाद। यहाँ तो लोग आते हैं फ्रेश होने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए, लेकिन यहाँ ये माहौल हमने देखा ये तो मतलब बहुत ही अलग है दूसरे गार्डनों से। क्या बताओगे कि आपने इसकी शिकायत की है यहाँ के नगर सेवकों को, कुछ यहाँ से आपने बताया है ये सारी समस्याएं यहाँ के लोगों को आती है, क्योंकि आप भी एक मतलब समाज सेवा भी करते हो, क्या बताओगे आपको? एक्चुअली बताते समय बड़ा दुख होता है मुझे कि इस गार्डन में मैं पिछले 20 साल से आ रहा हूँ और यहाँ के जितने भी यहाँ पे आपने जितने भी लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, जैसे यंगस्टर्स बंदे हैं, इनसे सबने आप सबने रूबरू हुए हैं और पूछा है, उन्होंने बताया आपको कि यहाँ के नगर सेवक को उन्होंने बताया कि ये प्रॉब्लम है। अभी ये प्रभाग में होने के कारण यहाँ के नगर सेवक ये बताते हैं कि वो उसका डिपार्टमेंट है, दूसरा नगर सेवक ये बताता है ये उसका डिपार्टमेंट है, तीसरा हर नगर सेवक यहाँ पे आके सिर्फ पब्लिक को आश्वासन देके जा रहा है। तो अभी मैं बरियम का नागपुर जिला अध्यक्ष हूँ, इस नाते से मैंने लास्ट वीक ही अपने जो मेयर है दयाशंकर जी तिवारी, इनको मैंने अपना पिटीशन दिया, उनको पूरा पिटीशन में दिखाया कि सारी सभी तरफ गार्डन में कितनी गंदगी है हमारे यहाँ पे। आप कई लेडीज़ लोगों ने बोला आपको कि दारू की बॉटलें यहाँ पे गिरी है, यहाँ पे दारू पीते हैं रोज़ शाम को, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, यहाँ के यंगस्टर बंदों ने आपको बताया कि गार्डन में हर जगह दलदल है, हर जगह गंदगी है। आप देखेंगे ये पूरे गार्डन का जो कटाई दिख रही है आपको, ये कटाई दिख रही है, ये कल कटाई कराई गई, ये बरियम के मेंबर्स ने, ये देखिए गौतम बुद्ध जी का ये पुतला है, ये पुतले को पुतले के पास पूरी गंदी गंदी झाड़ियाँ थी और झाड़ियाँ थी, ये पूरी बरियम के मेंबर्स ने अपनी झाड़ियाँ कल तोड़वाई है। आपको ये टूटे हुए झाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कल ये सब बरियम के मेंबर्स ने यहाँ पे साफ़ सफाई कराई। यहाँ पे हमारे यंगस्टर्स फिटनेस के बंदे हैं जो एवरी संडे को गार्डन को झाड़ते हैं। सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम इस गार्डन का यही है कि यहाँ पे आपको टॉयलेट दिख रहा है, पर टॉयलेट की चाबी अभी तक के NMC ने ओपन नहीं की है, ना किसी नगर सेवक ने आके यहाँ पे ओपन करवाया। मुझे आप यहाँ की लेडीज़ ने आपको बताया कि जेंट्स तो कहीं पे भी कर सकते हैं, पर बेचारी लेडीज़ का क्या? वो हमारी माँ है, वो हमारी बहन है, वो हमारी आदर्श है, तो उनके लिए लेडीज़ टॉयलेट भी यहाँ पे ओपन होना चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट है, एक उस साइड है, एक इस साइड कोर्ट है, पर ये कोर्ट भी एक पर्टिकुलर एरिया में होना चाहिए। शाम के टाइम इस गार्डन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सिक्योरिटी गार्ड की। सिक्योरिटी गार्ड न होने के कारण यहाँ पे दारू की बॉटलें दिए जाते हैं, यहाँ पे ड्रग्स गांजा फूका जाता है, ये सब बहुत सारे मेजर्स प्रॉब्लम है। आपने देखी यहाँ की घसर पट्टी टूटी हुई है, यहाँ पे जो लॉक, यहाँ पे इस गार्डन को एक जो लॉक चाहिए ना, वो भी NMC से नहीं लाया हुआ है, वो हमारे बरियम के मेंबर्स, यंगस्टर फिटनेस के मेंबर्स और साथ ही साथ जितने भी हमारे बैडमिंटन कोर्ट के मेंबर्स हैं, इन्होंने मिल के यहाँ पे लॉक लगवाया है। और यहाँ पे सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे घास को कटाई हुई नहीं है, पिछले 2 साल से यहाँ पे घास में कोई भी कटाई नहीं है। आप देखिए रोड में कितनी गंदगी है, यहाँ पे गाय बैल कैसे भी आ जाते हैं, कहीं से भी कुछ हो जाता है यहाँ पे, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और मैं BCN न्यूज़ को से चाहूँगा कि इस कवरेज को आप पूरे नागपुर में, अगर आप इस कवरेज को अच्छे से फेमस करना चाहते हैं तो इसकी फुटेज को आप रेगुलर, इसको 2 से 3 दिन अपने BCN न्यूज़ पे चलाएं, ये मेरी BCN से गुजारिश है। और आपने यहाँ पे कवरेज करवाया, इसके लिए पूरी टीम को धन्यवाद।
बैनर्जी लेआउट स्पेस संत केकाड़ी महाराज गार्डन की समस्याएं कई दिनों से चलती आ रही है। कई बार हमने ये समस्या जो है नागरिकों के प्रशासन के सामने लाई है, लेकिन प्रशासन है कि नींद से कुंभकर्ण नींद से जागने को तैयार नहीं है। आज फिर हमने यहाँ के नागरिकों की समस्याएं सुनी है और प्रशासन के सामने फिर हम एक बार ये समस्याएं लाने वाले। अब देखना ये होगा प्रशासन हरकत में आती है और यहाँ के नागरिकों को न्याय मिलता है या नहीं। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।